बहुत चर्चा चाहे कालाचा टोल प्लाजा बहुत खबर लगियां ने कि इतने एंबूलेंस नहीं इतने सहूलत नहीं केड़िया केड़िया सहूलत नहीं है तुसी भी पहला देखे इस तरह का भी चाहे उरे कोई जेसीबी की गल कर लीए चाहे एंबूलेंस की गल कर लीए चाहे किसी भी तरह की जी उरे जी जरूरत होंगी है कोई भी जी मेनटेन नहीं हैगी प्रॉपर इन्हों को स्टाफ नहीं है इन्होंने हायर की हुई ने वो जी दिखा देंगे ने कि जो जरूरत कोई ऑफिसर चंचे चैकिंग आते हैं आपने कौन से कानून की कौन सी जो क्लॉज है किस कानून के तहत आपने वो वहाँ पर जो बैरीगेटिंग कराई हुई है बिल्कुल आ सारिया चिट्ठिया ने हूँ तक जिन्या मैं लिखिया ने जा डी साहब ने लिखिया ने आ सारिया चिट्ठिया ज़्यादा रिकॉर्ड आ जोड़ा मेरे को हाथ के मंडे बोला बंद करवा दीजिए मैं तो उस दिन भी आपको बोला था मेरे कुछ भी नहीं है मेरे अंडर हाँ। हाँ, अब बंद करवा दी अभी भी उठवा सकते कोई अपनी मर्जी से तो नहीं उन लोगों को क्या वो है तो उठाइए एसएचओ साहब उन्होंने चुकवाओ उन्होंने सारे पर क्योंकि वो देते सारे कासे ते जड़ी बदनामी है वो तब्बा मेरे ते लगता है भी एमएलए गुंडा टैक्स ले रही है मैनू ओदे नाल कोई लेना देना नहीं जिक्र यह भी हो रहा कि दो कंपनियां ने जी इतने एक टोल वसूलन वाली एक दूजी क्योंकि वो मैनेजर भी आपस में टकरा च हो गए जो पहले एक एक्सीडेंट होया उरे वो कहते जी ये करते नहीं है कम की करिए भी साढ़े भी बस तो बार आए मैनेजर गल कर कुल मिला के डाका तो लोगों की जेबा दे पै रहा पैसा जेड़ा चाहे टोल कंपनी राही जा रहा चाहे मेंटेनेंस वाली राही जा रहा तो नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नूं है सो जवाबदेही तो उन्होंने बनती है करते हैं ठीक है नहीं करते तो फिर असं अपने हिसाब नाल देखांगे पंजाबी लोक चैनल ते तुहाडा स्वागत है मैं अमनदीप सिंह माझा पंजाब दे विच टोल प्लाजे सारियां सड़कां ते चलदे ने नैशनल हाईवे स्टेट हाईवे होण पर उत्थे किते ना किते सहूलतां दी वड्डी घाट नज़र आउंदी आ क्योंकि टोल वसूलिया जांदा असीं बठिंडा तो चंडीगढ़ NH7 कालाचा टोल प्लाजा ते मौजूद हाँ जिथे दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे कि टोल प्लाजा इह जे टोल प्लाजा हमेशा विवादां च रहिंदा क्योंकि कई बार जिहड़ियां सहूलतां दीआं गल्लां तां सहूलतां दी गल पूरी नहीं कर सकदे किते ना किते जिहड़ियां सहूलतां ने वड्डी घाट देखण नूं मिली आ एक बार तां जदों एक्सीडेंट होया सी तां किते ना किते एक डेड बॉडी तकरीबन एक घंटा इत्थे पई रही सी क्योंकि इत्थे वाली जिहड़ी एंबूलेंस सी ओह स्टार्ट नहीं हुई उस तों बाद एंबूलेंस कितों होर मंगवाई उस तों बाद हलका संगरूर तों विधायकां ने नरेंद्र कौर भराज उन्हां नूं भी इस टोल प्लाजा दीआं शिकायतां वध तों वध जांदियां सी कि इह टोल प्लाजा जिहड़ा सहूलतां पक्खों आ बहुत किते ना किते कुताही वरत रहा जिहड़ियां सहूलतां जिहड़ियां ने जां जिहड़े व्हीकल लंघदे ने टोल दिंदे ने उन्हां नूं सहूलतां नहीं मिल रही वड्डी दिक्कत आ अते अज तुहानूं जानकारी इह दिंदे आ कि इह सहूलतां ना देण दे रोस वजों हलका संगरूर तो विधायकों ने नरेंद्र कौर भराज वो इस टोल प्लाजा पर पहुँच रहे हैं इस टोल प्लाजा पर जो भी सहूलत ने वो चैक करे कि ना कितने तुम्हें यह भी दिखाने के किड़िया सहूलत जे लाइए जोड़े डिवाइडर बने होंगे ने उन्होंने बूटिया की कटिंग ला लो जा जोड़े वॉशरूम ने टोल प्लाजा के आले दुआले होंगे ने जिते वॉशरूम कितना कि राहगीर खड़ते हैं तो उत्थे दिक्कत ने कि सफाई नहीं हैगी एंबूलेंस एंबूलेंस की पूरी सहूलत होनी चाहिए क्योंकि भवानीगढ़ की जानकारी दें कि अज एक वड्डा एक्सीडेंट होया उत्थे गड्डी पलटी पर कोई एंबूलेंस मौके पर नहीं पहुँची बहुत लेट पहुँची और जिहड़े टोल प्लाजा के अधिकारी ने कि गड्डी साइड पर करनी आ रोड जाम भी रहा पर काफ़ी देरी नाल पहुँचे जाने कि वड्डियां कुताहियां ने हलका संगरूर तो विधायक नरेंद्र कौर भराज इत्थे पहुँचणगे देखदे आ कि किस तरह वो टोल कंपनी नाल गलबात करते हैं हलका संगरूर तो विधायक नरेंद्र कौर भराज टोल प्लाजा पर पहुँचे ने जिवें तुहानूं पहलां जानकारी दित्ती सी कि MLA साहब इत्थे पहुँचणगे MLA साहब नरेंद्र जी पहुंचे कंडीशनां लेके क्योंकि बहुत चर्चा चाहे कालाचा टोल प्लाजा बहुत खबरां लगियां ने कि इत्थे एंबूलेंस नहीं इत्थे सहूलत नहीं कीड़ियां सहूलत नहीं है तुसी भी पहला देखे देखो किसी तरह का भी चाहे उरे कोई JCB की गल कर लीए चाहे एंबूलेंस की गल कर लीए चाहे किसी भी तरह की जी उरे जी जरूरत होंगी है कोई भी जी मेनटेन नहीं हैगी प्रॉपर इन्हों को स्टाफ नहीं है इन्होंने हायर की हुई ने वो जी दिखा देंगे ने कि जो जरूरत कोई ऑफिसर चंचे चैकिंग आते हैं कित गई हुई है जी पहला भी मैं आई सी सो इन्हों को किसी तरह का कोई जो प्रबंध नहीं किए बिल्कुल तुम पहले ये भी जिक्र किया कि फरवरी तो असं लगातार इन्हों संपर्क चाहता जा भी इलाके लोग बहुत दुखी ने भी आह कंडीशन ने अब तुम सारिया लैटर लेके आए हो बिल्कुल आ सारिया चिट्ठिया ने हूँ तक जिन्या मैं लिखिया ने जा डी साहब ने लिखिया ने आ सारिया चिट्ठिया ज़्यादा रिकॉर्ड आ जोड़ा मेरे को हाथ के मंडे बिल्कुल जानी कि पंजाब सरकार तो प्रशासन की बिल्कुल नहीं सुन रहे टोल प्लाजा नैशनल हाईवे अथॉरिटी है जी जी सेंटर की जी एजेंसी है सेंटर का अदारा सो लगातार असी तो देखो जो मीटिंग्स कर सकते हैं उन्होंने चिट्ठी लिख सकते हैं पर कार्रवाई तो उन्होंने करनी है टोल कंपनियां मन मर्जी गुंडागर्दी टोल कंपनियों की क्यों चल रही है
फिर तो उन्होंने देखना क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे है, उन्होंने देखना। असी तो जो अपना प्रॉपर असी लोगों ने सानू चुन के भेजे, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना साडा फर्ज आ, सो असी लोगों के नाल खड़े। बिल्कुल, वैसे जिक्र यह भी हो रहा कि दो कंपनियां ने जी इतने एक टोल वसूलन वाली एक दूजी, क्योंकि वो मैनेजर भी आपस में टकरा च हो गए जो पहले एक एक्सीडेंट होया उरे, वो कहते जी ये करते नहीं है कम की करिए भी साढ़े भी बस तो बहार आए, मैनेजर गल करते। देखो कुल मिला के डाका तो लोगों की जेबां ते पै रहा, पैसा जिहड़ा चाहे टोल कंपनी राही जा रहा, चाहे मेंटेनेंस वाली राही जा रहा तो नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नूं है, सो जवाबदेही तो उन्हां दी बनदी आ, करदे आ ठीक है, नहीं करदे तो फिर असीं अपने हिसाब नाल देखांगे। एक पासे तो टोल प्लाजा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान बंद करवा रहे हैं, नैशनल हाईवे अथॉरिटी वाला हाँ कुछ नहीं है, वो आपने कौन से कानून की कौन सी जो क्लॉज है, किस कानून के तहत आपने वो वहाँ पर जो बैरिगेटिंग कराई हुई है वो किस किस आधार पर? हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम तो बोला बंद करवा दीजिए, मैं तो उस दिन भी आपको बोला था मेरे कुछ भी नहीं है मेरे अंडर में। हाँ अब बंद करवा दीजिए, अभी भी उठवा सकते, कोई दिक्कत अपनी मर्जी से तो नहीं, उन लोगों को क्या वो है, तो उठाइए एसएचओ साहब, उन्होंने चकवाओ उन्होंने सारे, हाँ चकवाओ उन्होंने सारे, चकवाओ पिंडा च कोई दिक्कत आऊगी, पिंडा च कोई ट्रैफिक की दिक्कत आऊगी तो पंचायतां बैठियां ने मेरे नाल गल करन, उहदा बैठ के सोल्यूशन करांगे, सारे पंचायतां नूं बुला के सगों दी पिंड वालियां नूं बुला के उहदा कोई हल होर कड्ढो जी। हां पर क्योंकि उहदे ते सारे कासे ते जिहड़ी बदनामी आ उह तब्बा मेरे ते लगदा है वी एमएलए गुंडा टैक्स लै रही है, मैनूं उहदे नाल कोई लैणा देणा नहीं। लोकां नूं देखो जिहड़ी प्रॉब्लम आ, रोड मेनटेन करना थोड़ी जिहड़ी ड्यूटी है, रोड कलेक्शन दा जेड़ा टोल दा थोड़ी जेड़ी मैडम, उस दिन आपको ये बात बताया भी था जाकर के मैडम कि मेरे अंडर में क्या क्या आता है, 500 मीटर के अंदर जो भी है मैडम हमारा है, लाइट का हुआ चल रही है रात में चोरी हुई है, वो सारा कुछ ही है, सो उन्हें चकवाओ, उन्हें चकवाओ। हलका संगरूर तो विधायक नरेंद्र कौर भराज इत्थे पहुंचे टोल प्लाजा कालाचाड़ जिथे पहला भी तुहानू गलबात दसी आके किते ना किते कुताही बरती जा रही आ। हलका संगरूर तो एमएलए नरेंद्र भराज ने कहा कि साड़ी भी नहीं सुन रहे, लोगों की आवाज़ कितने सुननी आ जदों साड़ियां असी जिहड़ियां कंडीशनां कहीं ने कि कंडीशनां नहीं पूरे कर लिए, सहूलतां लोगों नूं तुसीं नहीं दे रहे, वो कंपनी कितने ना कितने अड़ियला रवैया अपना अपनाया होया, इन्होंने अल्टीमेटम दिता कहा कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिने, जे अल्टीमेटम 10 दिन तो बाद एक कुताही है कंपनी एवें ही करूगी तो एक वड्डे प्रदर्शन किए जाएंगे, जानी कि पंजाब सरकार पंजाब हलका संगरूर तो एमएलए नरेंद्र कौर भराज यही गल कह रहे हैं कि साड़ी नहीं सुन रहे, कितने कितने दिक्कत ने वड्डियां जिहड़ियां सहूलतां देण तो, अते तुहानू ये भी जानकारी दे दिए कि इलाके दे पिंड ने जिहड़े आले दुआले वो लिंक सड़कां ते एक वैरीगेटिंग आ के इधर दी तुसीं नहीं जा सकदे, तुसीं टोल परची कटवा के जाओ, पर वो देखना होगा क्योंकि नरेंद्र कौर भराज ने यह हदायत भी दी आ कि वो जिहड़ी वैरीगेटिंग उत्थे कीती हुई आ उहनू हटवाओ, नहीं किते ना किते सानू कोई बड़ा प्रदर्शन ना करना पै जाए जिहड़ी तुसीं लोकां दी लुट कर रहे हो, सो तस्वीरां भी दिखावांगे कित्थे कित्थे वैरीगेटिंग आ उह किहड़े पिंडां तों रोकदे ने, सो तस्वीरां तुहानूं सिद्धियां दिखावांगे कि हलका संगरूर तों विधायक नरेंद्र कौर भराज इत्थे पहुंचे होए ने ते लगातार टोल प्लाजे वाले मैनेजरां नूं भी कहा कि असीं 10 दिन का अल्टीमेटम दिंदे आ, जे उस तों बाद ये कुताहियां दुबारा होईआं तां किते ना किते सख्त एक्शन लिया जाएगा।